गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये हमारी लुकिंग अराउंड क्लास 3 है ENV, और आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, समझेंगे। छोटूस हाउस, छोटू का घर। आप यहाँ देखो, ये 5th नंबर का चैप्टर है। पहले में है, छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू है पहली बार मुंबई आया हुआ है, और छोटू ये यहाँ पे कार जा रही है, पहली बार बम्बई आया है, बॉम्बे। देन वो बैठा है थर्ड में, इसने कोई पाइप ढूंढ लिए, वहाँ रहता है, और यहाँ पे पाइप के आसपास उसने कुछ रखा हुआ है, टंकी वगैरह। फिर आगे देखो, छोटू काम ढूंढने गया है और अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा है। तो आप ये स्टडी करना, स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली, पॉज करके एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अपनी ओर से इन क्वेश्चन के आंसर देना आप पॉज करके। यहाँ पे है होम स्वीट होम, यानी जो घर है वो प्यारा और मीठा है। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। तो यहाँ पे एक लड़का है, ये पोएम है होम स्वीट होम, यानी प्यारा सा घर, घर मीठा घर। You always tell me, mother, तुम हमेशा मम्मी कहती हो, the house belongs only to us, ये घर हमारा ही है। But how do I believe that, mother, पर मम्मी मैं ऐसा कैसे मान लूं, when I know it belongs to many more, जबकि मुझे पता है यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, ये बहुतों का घर है। Look, mother, how this mice, देखो मम्मी ये mice देखो, चूहे देखो, ये आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टूगेदर, ये कैच कैच पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोस फ्लाई, और देखो ये घर में मॉस्किटोस जो फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और ये खुश मिजाज स्पाइडर है, कैसे सोया हुआ है वहां पे, देखो लेटा हुआ है। And look, mother, at the lazy lizard. और ये lazy lizard है, उसकी तरफ देखो, आलसी lizard है, उसकी तरफ देखो। How slowly it crawls to and fro. यहाँ से वहाँ ये धीरे धीरे घूमती रहती है। And look at so many black ants. और ये बहुत सारी black ant को ढूंढती रहती है। All marching in a row. और ये black ants हैं, एक साथ marching कर रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं। And look outside in the courtyard. और courtyard में आप देखो मम्मी, the birds are all pecking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout. तो ये birds हैं जो आवाज कर रहे हैं, just like जैसे मैं और मेरी sister झगड़ते हैं और चिल्लाते हैं इस तरह से। That is why I said, dear mother, don't think this house is only ours. It's dear to us and all who live here and have been living for many years. Translated from Hindi, Bachcha Toli, Bharat Gyan Vigyan Samiti. Bharat Gyan Vigyan Samiti. Rats have poor eyesight but have excellent sense of smell, touch and taste. Do you know? तो यहाँ पे ये जो होम स्वीट होम है, इसमें एक बच्चा कहता है उसकी मम्मी से कि मम्मी तुम तो कहती हो ये हमारा ही घर है, बट सिर्फ हमारा घर नहीं है, ये सबका घर है। इस घर में बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं। आप देखो इस घर में कौन कौन रहता है, तो माइस यानी चूहे रहते हैं, स्पाइडर है, मॉस्किटो है,
हैं, लिजार्ड है, ब्लैक आंट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये कईयों का घर है, सिर्फ हमारा घर नहीं है, ऐसा ये बच्चा कहता है। और यहाँ पे एक जनरल नॉलेज है कि रैट्स हैं, रैट्स है पुअर आई साइट्स, उनको दिखाई तो बहुत कम देखा देता है रैट्स को, बट उनकी जो स्मेल, सूंघने की, टच करने की और टेस्ट करने की जो सेंसेस होती हैं वो बहुत तीव्र होती हैं, ज़्यादा होती हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आप इसको, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स, यहाँ पे पिक्चर बनाने हैं जो आपके घर पे एनिमल्स आते हों उनके, टू एनिमल्स के। और यहाँ पे फिर स्टोरी टाइप है एक, यूज ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट का यूज करना, वॉशरूम का यूज करना। सिमी नोटिस्ड दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकंफर्टेबल, सिमी ने देखा कि उसका फ्रेंड बिल्लू है, उसको अनकंफर्टेबल है, थोड़ी परेशानी सी है। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, वो उससे बातें नहीं कर रहा था। सिमी से, सिमी बोली, बिल्लू वॉट हैपन, अरे बिल्लू क्या हुआ, यू लुक सो डल, तुम बहुत डल हो गए हो, बहुत परेशान लग रहे हो। बिल्लू, आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली, बिल्लू बोला मुझे पता नहीं है टॉयलेट यूज कैसे करते हैं। बिल्लू सेज, आई डोंट नो हाउ टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली, हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कॉल्ड मी एज यूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। और हीरा मैम हैं, वो विजिट पे होंगी, राउंड में होंगी और हमेशा की तरह मुझे फिर से डांटेंगी, स्कॉल्ड यानी डांटना, फिर से डांटेंगी कि मैंने ये टॉयलेट यूज अच्छी तरह से क्यों नहीं किया। सिमी, वाई डोंट यू यूज द टॉयलेट, वाई डोंट यू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली देन, तो तुम टॉयलेट प्रॉपरली यूज क्यों नहीं करते हो, सिमी बोली। बिल्लू, आई एम स्कैर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट, बिल्लू बोला कि मुझे डर है, स्कैर यानी डर है कि मैं वो टॉयलेट पिट है, ये टॉयलेट पिट है, इसमें मैं गिर जाऊंगा। सिमी, हाउ स्ट्यूपिड, अरे तुम कितने मूर्ख हो, एंड नाउ आई नो इट इज यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आवर टॉयलेट सो डर्टी बट बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। तो अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे कई लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं, वो टॉयलेट अच्छी तरह से यूज नहीं करते हैं और टॉयलेट को बिगाड़ देते हैं। डोंट बी स्कैर्ड, बी रिस्पॉन्सिबल, तुम डरो नहीं, बी रिस्पॉन्सिबल यानी तुम जिम्मेदार नागरिक बनो, जिम्मेदार बनो। लेट्स नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, चलो हम देखते हैं कैसे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। यूज द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, आप हैं टॉयलेट है वहां सिटिंग प्रॉपरली, सिटिंग करके यूज करो। ऑलवेज फ्लश इट विथ वॉटर आफ्टर यूज, और यूज करके ऑलवेज फ्लश करो आप। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, और आप अच्छी तरह से वॉश कर लो। वॉश योर हैंड्स थरली, और हाथ भी अच्छी तरह से धो लो। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सिटिंग प्रॉपरली है, फिर फ्लशिंग विथ वाटर है, देन वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली है, फिर हैंड्स अच्छी तरह से धोने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, और टॉयलेट को ऐसे ही क्लीन रखो जैसे आप अपने लिए क्लीन रखना चाहते हो। डिड यू नो, यहां पे देखो ये फ्लश है, ये पानी डाल रहे हैं। डिड यू नो, क्या जानते हो, फॉर गांधी जी 150th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड, इट इज टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीनलीनेस इज एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है
वो गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती पे शुरू किया गया था। वो हमें जो क्लीनलीनेस है, सफाई है, उसके बारे में हमारी ड्यूटी, कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बताता है। सो इस तरह से ये क्लीनलीनेस के बारे में है हमारा लेक्चर। आप इसको पॉज करके समझ सकते हो। आपके जो स्कूल एरिया है वहाँ का जो टॉयलेट है उसको डिस्क्राइब करो, आप क्लीन रखते हो नहीं रखते हो, और आप खुद है वो ब्रशिंग और बाथिंग करते हो, क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली आप काटते हो नेल, एटसेट्रा है अपनी सफाई के बारे में। तो ये जो चैप्टर है वो सफाई के बारे में है, और हमें हमेशा सफाई रखनी चाहिए अपनी, अपने घर पे एंड हमारे आसपास। सो पहले है यहाँ पे जो छोटू है बेचारा किसी गांव से आया है और पाइप में रहने लगता है बम्बई में। फिर है होम की बात है, होम में बहुत सारे लोग रहते हैं, ऑन हाउ टू यूज टॉयलेट है। तो आप भी अच्छी तरह से अच्छी अच्छी आदतें सीखना और अपने जीवन में उतारते जाना। गुड बाय।